Hello everyone. So in this video we have a brand new box of this Phantom Wings Phantom 250. So here is the box. So actually ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले कि मैंने इसको ऑर्डर किया था, इस करीब 3-4 महीने पहले. फिर मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको बहुत यूज़ किया, फिर ये ख़राब हो गया. फिर मैंने कंपनी को जो है इसका एक साल का वारंटी है, तो मैं इस कंपनी को क्लेम किया कि ऐसा वैसा है तो मेरे को ठीक करके दो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं वो बंदा खराब. मस्त जोक मारा रे. तो मेरी सुननी पड़ती है उनको. तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है. तो फिर आज फाइनली हमारा जो बॉक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से रिसीव हो चुका है. सो करते हैं इसका डाइसेक्शन. अब करेंगे किस साइड से तो नहीं पता, इस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे. एक्चुअली कटर भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं किससे करेंगे. अच्छा, जिस जिसने सिर्फ यही जानना है कि ये ईयरबड्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, तो मैं उनको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि ये बहुत अच्छे हैं, आप ले लो. अंडर 1500 के पीछे पीछे आपको मिल जाएंगे, 1000 और 1500 के बीच बीच इसका प्राइस जो है डिफ्रेंशिएट होता रहता है फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे. तो आप ले सकते हो उसको, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छे हैं. बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वाला, तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो, फिर उसके बाद डिसाइड कर लो. अगर आपको पसंद आता है डिज़ाइन, कलर जो भी है, तो मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ ए टू जेड अच्छे तरीके से. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा. वी लव टेक्नोलॉजी. आ गया है हमारे पास एक प्यारा सा नन्ना सा मस्त है एकदम लाजवाब डिब्बा. सो सामने की तरफ आप देख लो, एक फोटो बना हुआ है बढ़िया सा मस्त है एकदम. विंग्स फैंटम 250 लिखा हुआ है, 13 mm के ड्राइवर्स लगे हुए हैं इसमें, 30 घंटे का प्लेबैक टाइम है, 40 ms की सुपर लो लेटेंसी है इसमें. मैंने गेम खेल के भी देखा है, काफ़ी सही चलता है. ब्लूटूथ का 5.2 कनेक्टिविटी दी गई है, डेडिकेटेड गेम मोड है इसमें, IP65 स्वेट 10 वाटर रेजिस्टेंट है ये, और इसको पानी में नहीं घुसाना नहीं तो आपके लग जाएंगे. टाइप सी की चार्जिंग दी गई है, DNS माइक विद नॉइस रिडक्शन है इसमें, जैसे शोर शराबी वाली जगह पे जो है आपका साउंड बहुत अच्छा आता है. टच कंट्रोल है, बटन वाला कोई काम नहीं है क्योंकि बटन तो पुराना हो गया. इसमें दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लैक एंड ब्लू, और ये वाला है ब्लैक कलर. बात करते हैं इसके प्रिंट रेट के बारे में, तो प्रिंट रेट दिया गया है भाई साहब 2999 जो कि बहुत ज़्यादा है, मेरे को कम रेट में पड़ा है. ज़्यादा बात बाद में करेंगे यार, इसको खोलते हैं सीधा. हमेशा की तरह आज भी मेरे पास कटर नहीं है, सो आज है मेरे पास चमचा. अबे साले जब सो ये खुल गया हमारा डिब्बा, खुल जा भाई. ये है हमारी मेन आइटम, इसको रखते हैं फिलहाल साइड में. इसमें दिया हुआ है कुछ कचरा, इसमें एक डब्बा है, इसको रखते हैं साइड में. एक यूज़र मैनुअल है और मे बी वारंटी कार्ड है, एक साल का वारंटी है इसका. इसमें स्टिकर दिए हुए हैं जो मैंने पहले ही सब जगह चेप रखे हैं, आप देख लो. बाकी कुछ भी नहीं, अंदर बाबा जी का ढुल्लू है. कंट्रोल वो सॉरी. इसके डब्बे की बात करें तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिलता है. इसके अंदर मिलते एक प्यारी सी डाटा केबल, पहले टोकनो देख लो, टोकनो मिला है इसके साथ. ये है इसके साथ एक डाटा केबल जिसकी क्वालिटी पहले से इम्प्रूवड है, पहले आई थी वो सिंपल वाली थी, और जो ए वाली है इसमें आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, इसमें विंग्स का लोगो लगा हुआ है. बात करते हैं अपने ईयरबड्स की, किस तरह की पैकिंग के अंदर मिलता है हमें. एकदम भाई आयरन मैन वाली लुक है, एकदम करीब से देख लो इस तरह से खुलता है ये, कुछ ऐसा लगता है. सो हियर इज द मेन बॉक्स, ये वाला इसका मेन बॉक्स है. जैसे इसको ओपन करते हैं प्रीमियम फील है, काफ़ी अच्छा जो है इसका टेक्सचर है. ये प्लास्टिक यूज है इसमें, आयरन मैन वाला लुक दिया गया है. जो कंपनी है ना वो आयरन मैन से इंस्पायर्ड है बेसिकली, तब करके इन्होंने छोटा आयरन मैन बना दिया, बड़ा तो बना नहीं पाए होंगे. इस तरह से फिट आते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ. इसकी जो फिटिंग है काफ़ी सही है, काफ़ी प्यारी है, कोई हिलता नहीं है, कोई गिरता नहीं है, कुछ नहीं होता. मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, किसी से कनेक्ट भी हो गया, आई डोंट नो किससे हो गया, मेरे फ़ोन से तो नहीं हो गया.
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। मैंने परचेज किया था इसको 999 में, 999 रुपये में। उसके बाद हो गया था इसका प्राइस 1499 पर, 1500 के आसपास। 1000 रुपये का मैंने लिया था, 1500 का अब हो गया है। 1000 रुपये के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। 4 माइक है इसमें, टच वाले सेंसर लगे हुए हैं, बटन वाला कोई काम नहीं है। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, आराम से 3-4 दिन के आसपास चल जाता है। क्योंकि मैंने यूज़ किया है, ये तो अभी नया नया आया, डिलीवर हुआ, पर मैंने यूज़ किया है, काफ़ी टाइम यूज़ किया है। हाँ एक बात और है कि किसको लेना चाहिए। बेसिकली ये उन लोगों को लेना चाहिए जो गेम ज़्यादा वायरलेसली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वायरलेस ईयरबड के साथ खेलना, तो उनको ये लेने चाहिए, उनको रिकमेंड करता हूँ मैं। क्योंकि इसमें गेम वाला मोड ऑन करके ना जो लेटेंसी है वो बहुत कम है या ना के बराबर है, एक फील नहीं आता है जैसे वायर वाले हेडफोन यूज़ करते हैं, जैसे उनके साथ फील आता है कि गोली गोलियों की साउंड जो है प्रॉपर उसमें आती है, जैसे टच करते हैं तो प्रॉपरली आती है। इसमें ये नहीं होता कि लेटेंसी नहीं है, बहुत ना के बराबर है, 40 मिलीसेकंड बहुत कम होती है जो वायर वाला होता है। इसमें भी उसमें तो काफ़ी कम होती है, 10-12-15 के आसपास होती है, पर इसमें 40 है, वो भी ज़्यादा फील नहीं होती, तो ये काफ़ी सही है गेम वालों के लिए, ज़्यादातर फ्री फायर पबजी जो भी है। बाकी अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक लवर हैं तो इसका साउंड भी काफ़ी सही है, जैसे कि मैंने यूज़ किया है 3-4 महीने के आसपास मैंने यूज़ किया है। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, मैं कंटिन्यू वीडियो जो है डालता रहूँगा। आई डोंट नो मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, लास्ट वाली वीडियो में मेरे व्यू आए थे 16 आए थे, इस वाली पे शायद 20 आ जाए। इस वाली वीडियो पे लाइक का टारगेट रखता हूँ 5, 10, 10 लाइक का टारगेट है, 1 कमेंट का टारगेट है, यही है, जल्दी से कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मज़ा आया।